हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। सो अगर आप आसानी से और सरल तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो देखिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछली एक्सरसाइज में मीन्स पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, आपने उसको बनाया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये रहा पिछली क्लासेस में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर। आप उनको अपने बनाए हुए आंसर से चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ पर सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी मुमकिन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, बाद में चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हाउ मैनी, हाउ मच एंड हाउ। कितना, कितनी, कितने, इसका इंग्लिश हाउ मच और हाउ मैनी होता है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं जिसमें हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल कहाँ होता है, कब होता है, और कितना, कितने के लिए हम हाउ का इस्तेमाल, सिर्फ हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं, तो आज ये सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ मैनी और हाउ मच और हाउ, ये तीनों का मतलब कितना, कितनी होता है। लेकिन हाउ का मतलब अभी तक आपने कैसे, कैसा, कैसी सीखा होगा। इस पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नोट में सिखाया था, लेकिन इसमें सिखाऊंगा कि हाउ का मतलब जब कितना, कितनी होता है तो हम कब, किस तरह के सेंटेंसेज में हाउ का इस्तेमाल करते हैं कितना, कितनी के लिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हाउ मैनी के बारे में जानेंगे। तो हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल, काउंटेबल थिंग्स मीन्स वैसे चीज़ जिसको हम गिनती करके बताते हैं, गिनकर बताते हैं, वैसे चीज़ों के लिए हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं पूछूंगा कि वहाँ कितने पेड़ हैं तो आप गिनकर बताएंगे, 1 2 3 4 6 8 10 9 जो भी है आप वो गिनकर ही बताएंगे, तो वहाँ पर हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया काउंटेबल थिंग्स के लिए, और हाउ मच हो गया ये अनकाउंटेबल के लिए हो गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके फ्रेंड्स, अभी अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि जिसकी हम गिनती नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसकी हम गिनती नहीं करते हैं। अगर हम पूछें वहाँ पर कितना चावल है तो आप चावल को गिनकर नहीं बताएंगे, बल्कि वजन करके बताएंगे कि 100 ग्राम है, 1 किलो है, 1 क्विंटल है, जो भी है आप वजन करके बताएंगे। जब हम गिनती करके बताते हैं तो उस वहाँ पर हाउ मैनी लगता है, और जब हम गिनती करके नहीं बताते तो वहाँ पर हाउ मच लगता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम पूछेंगे वहाँ कितना दूध है, वहाँ कितना पानी है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं गिनकर बताने वाली चीज़ नहीं होती है, उसको हम गिन कर नहीं बताते। तो जिसको भी हम गिन कर नहीं बताते उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हाउ का इस्तेमाल कितना, कितने के लिए, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। हाउ का इस्तेमाल हम कितना, कितने के लिए कब करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी कितना, कितने के बाद, जब ये कितना, कितने, कितने आए हिंदी में, और उसके जस्ट बाद हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण आए, विशेषण जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव आए, तो वहाँ पर कितना, कितने के लिए हम सिर्फ हाउ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम तीनों को सेंटेंसेस बनाकर समझते हैं। वहाँ कितने लड़के हैं, अभी हमने लिख दिया वहाँ कितने लड़के हैं। अभी आपको यह भी पता चल गया कि जिसकी हम गिनती करके बताते हैं वहाँ पर हम हाउ मैनी लगाते हैं। बट इसको बनाते वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हाउ मैनी आर देयर बॉयज, ऐसा बनाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जो कि गलत है। हम जब भी कितना, कितनी वाला क्वेश्चन आता है, जब भी कितना, कितनी वाला सेंटेंस आता है, तो सबसे पहले हम कितना, कितने के साथ जो जुड़ा होता है उसको हम साथ में लिखेंगे, यानी कि जिसकी भी संख्या या क्वांटिटी पूछी जा रही है उसके, उसको हम साथ में लिखेंगे, कितना लड़का, कितने लड़के। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, इसको सही बनाएंगे हम हाउ मैनी बॉयज। अब कितना, कितने के बाद कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको हम साथ में लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हाउ मैनी में हमेशा आर लगता है, तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर। ओके फ्रेंड्स, कितना, कितने के बाद
जो भी वर्ड्स आता है, जो भी चीज़ आता है, जिसके बारे में भी हम संख्या पूछ रहे हैं, जिसकी संख्या पूछ रहे हैं, जिसके नंबर्स पूछ रहे हैं या जिसकी क्वांटिटी पूछ रहे हैं, उसको हम साथ में लिखते हैं। अभी वहाँ कितना दूध है, कितना दूध है, ओके फ्रेंड्स। तो वहाँ कितना दूध, यहाँ पे कितना कितने के साथ दूध आ रहा है, तो उसको हम साथ में लिखेंगे हाउ मच मिल्क इज देयर। अभी हाउ मच में हमेशा इज लगता है, ओके फ्रेंड्स, हाउ मच में हमेशा इज लगता है। अब इस तरह के सेंटेंस को समझते हैं, हाउ कितना कितनी, हाउ का मतलब ही जब कितना कितनी होता है, कब होता है, जब कितना कितने के बाद विशेषण है, जैसे वह कितना लंबा है, वह कितना लंबा है, तो यहाँ पर हम हाउ मैनी टॉल या हाउ मच टॉल ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भी हम विशेषण की बात करते हैं, विशेषण, जब भी विशेषण की बात होती है कितने कितने के बाद, लंबा, गोरा, मोटा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ये सब कितना कितने के बाद जब हम विशेषण की बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो वहाँ पर कितना कितने के लिए हाउ का, सिर्फ हाउ का इस्तेमाल होता है, हाउ मैनी और हाउ मच का नहीं होता, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हाउ, लेकिन अब रूल्स वही होगा, कितना कितने के साथ जो आ रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वो हम साथ में लिखेंगे। तो हाउ कितना लंबा है, अगर हम किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लॉन्ग लिखेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो हम टॉल लिखेंगे। तो व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो हाउ टॉल इज ही, ओके फ्रेंड्स, हाउ टॉल इज ही, ऐसा बनाएगा। इस तरह का हम जितना भी सेंटेंसेस है, कितना कितने के बाद अगर कोई विशेषण यानी कि एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसमें हम हाउ लगाएंगे कितना कितने के लिए, हाउ मैनी या हाउ मच नहीं लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ कितनी कुर्सियाँ हैं, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर। वहाँ कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर। वहाँ कितनी लड़कियाँ हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। वहाँ कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर। वहाँ कितना सोना है, हाउ मच गोल्ड इज देयर। वहाँ कितना तेल है, हाउ मच ऑयल इज देयर। वहाँ कितने मजदूर हैं, हाउ मैनी वर्कर्स आर देयर। वहाँ कितने आम के पेड़ हैं, हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर। वहाँ कितनी बिल्लियाँ हैं, हाउ मैनी कैट्स आर देयर। वहाँ कितना चांदी है, हाउ मच सिल्वर इज देयर। वो कितना मोटा है, हाउ फैट इज ही। मुंबई यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर। वह कितना बड़ा है, हाउ बिग इज ही। वहाँ कितने जानवर हैं, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। वहाँ कितने पागल कुत्ते हैं, हाउ मैनी मैड डॉग्स आर देयर। वहाँ कितना चावल है, हाउ मच राइस इज देयर। वहाँ कितना गेहूँ है, हाउ मच व्हीट इज देयर। वहाँ कितने घोड़े हैं, हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर। वो कितना छोटा है, हाउ स्मॉल इज ही। यह कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज इट। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे थे प्रैक्टिस के लिए आपके। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ का इस्तेमाल कितना कितने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब आप अपने होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस ये लीजिए। इन सेंटेंसेस को आप लिख लीजिए नोटबुक में या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में इसका आप इंग्लिश बनाइएगा और अगले क्लास में जब हम इसका आंसर बताएंगे तो उसे आप मैच कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।